लोग के पढ़ते हैं दी प्लैनेट, ठीक है। ए प्लैनेट इज़ ए केलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। प्लैनेट एक इदा केलेस्टियल यानी हैवी बॉडी है जी सन के आले दुआले घूमती है, तो उतों सन तो की रिसीव करती, सानू सन तो की मिलता, हीट एंड लाइट। ऑल दी एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ्स नोन एज ऑर्बिट। सन है, सन के आले दुआले इदा रस्ता बनया हुआ, ठीक है, एलिप्टिकल यानी कि ओवल शेप का, ठीक है। हुण साडा सन भी एग्जैक्ट गोल नहीं गी, धरती भी एग्जैक्ट गोल नहीं गी, थोड़ी जी एलिप्टिकल है, ओवल शेप की है। वो पाथ बनया हुआ, रस्ता बनया हुआ, उन्होंने की बोलते असी ओरबिट, उस रस्ते नूं ओरबिट बोलते हैं, ठीक है। तो उस रस्ते उत्ते ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। नैक्सट, द प्लैनेट्स ऑलसो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। जिदा प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, मान लो आप प्लैनेट है गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमते घूमते इदा भी रोटेट करेगा, ठीक है, इदा भी घूमया, ठीक है, और रिवॉल्व, तो जो इदा इदा घूम रहा और रोटेट, याद रखना, जो आप अपने ही जगह पर इदा इदा घूम रहा और रोटेशन, जो सन के आले दुआले गोल गोल घूम रहा वो रेवोल्यूशन। तो प्लैनेट्स अठ के अठ प्लैनेट्स रोटेट भी करते हैं तो रेवोल्यूशन भी करते हैं, ओके। प्लैनेट्स ऑलसो नॉन ऑलसो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस एक्सैप्ट केड़े प्लैनेट नहीं करते, वीनस एंड यूरेनस ये नहीं करते, ये सिर्फ गोल गोल घूमते हैं। ऑल अदर प्लैनेट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच दे रिवॉल्व। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। हुण डिस्टेंस जिन्ना भी टाइम टेकन है, ठीक है, मान लो इतने धरती कोल है सन दे, तो अगर कोल वाली चीज़ छेती होगी कि लेट घूमूगी दूर वाली नालों, दूर वाली नू इत्थे कोई चीज़ है, दूर वाली नू इन्ना इन्ना डिस्टेंस कवर करना पाया, नेड़े वाली नू इन्ना करना पाया, छेती कौन करूगी, दूर वाली के नेड़े वाली, नेड़े वाली, ठीक है। यानी कि उसका टाइम कितना कंप्लीट करना एक रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर उन्हें कितनी देर से कंप्लीट करना, और डिपेंड करता वो डिस्टेंस पे कितनी दूर है, जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा है गुड नाइट उतना ज़्यादा टाइम, ओके। नेक्स्ट, सिंस मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन इट टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने लई मरकरी नू सिर्फ सिर्फ 88 डेज लगते हैं क्योंकि ये सब तो नियरेस्ट है, ठीक है। हुण तुहाडा इत्थे क्वेश्चन सीगा ना कि वाई इज़ मरकरी द होटेस्ट प्लैनेट, क्यों गर्म प्लैनेट क्यों है, क्योंकि ये सब तो ज़्यादा नियरेस्ट है सन दे, सूरज दे जिन्ने ज़्यादा नेड़े कोई प्लैनेट होया उन्नी ज़्यादा उत्थे गर्मी होनी ना, क्योंकि सूरज तो किन्नी किन्ना टैंपरेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। वही गल आ गई कि एक प्लैनेट जिहड़ा हैगा वह सन को कितनी हीट लै रहा, वह कितने डिपेंड करता वो डिस्टेंस पर, कोई प्लैनेट नेड़े है तो वह ज़्यादा गर्म होगा कि ठंडा होगा, ज़्यादा गर्म होगा, जिहड़ा दूर है वह ठंडा। मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी सन के क्लोजेस्ट है, सो यू मे अज्यूम दैट इट इज़ द होटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इस करके तुहानू पता लग जाणा कि साडा की है होटेस्ट प्लैनेट है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सच नहीं गा। वाइल द टैंपरेचर ऑन द मरकरी कैन रीच 465 डिग्री सैलसीयस, इट कैन ऑलसो ड्रॉप टू फ्रिजिड टैंपरेचरस ऑफ -184 डिग्री सैलसीयस। कहिंदे चाहे इहदा हाईएस्ट टैंपरेचर 465 डिग्री जाता है, लेकिन यह फ्रिजिड जोन के भी जा सकता है, यानी कि ठंडा भी हो सकता है, तो यह टैंपरेचर -184 भी जा सकता है। दिस इज़ सच अ बिग वेरिएशन इन मरकरीज टैंपरेचर बिकॉज द प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाता है वैल्यू के, क्यों आता है, बिकॉज द प्लैनेट हैज़ नो एटमोसफेयर, क्योंकि ये आले दुआले कोई एटमोसफेयर है ही नहीं, एंड इट स्पिन्स रिलेटिवली स्लोली कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लैनेट। तो स्पिन मतलब कि हौली हौली मूव करता है, स्पिन करता है इदा गोल गोल भी, तो इदा भी हौली हौली मूव करता है, ठीक है। वीनस द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन हैज़ द हाईएस्ट एवरेज टैंपरेचर, इसका टैंपरेचर भी हाई है, कितना 460, ठीक है, मरकरी का 465 सी, 460 है। वीनस इज सो हॉट बिकॉज इट्स प्रोक्सीमिटी टू द सन एंड इट्स थिक टैंपरेचर एटमोसफेयर। हुण वीनस इन्ना ज़्यादा गर्म तो है क्योंकि एक तो यह सूरज के कोल है, दूजा यदा टैंप एटमोसफेयर है ना, जो आले दुआले एटमोसफेयर होंगे, जिदा सन अर्थ है और आले दुआले जी हवावें हैं वह एटमोसफेयर, मरकरी के आले दुआले है ही नहीं गा, वीनस के आले दुआले हैगा, वह भी उदा इफेक्ट करता गर्म करन च, ओके। अगे आ गया, वीनस एटमोसफेयर इज़ कंपोज ऑफ थिक क्लाउड्स, मोटे मोटे बादलों का घिरया हुआ, जिहदे विच कि गैसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड,
दिस क्रिएट्स अ स्ट्रोंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कर दिंदा है। हुण ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब की है कि उस प्लैनेट दे जड़ी गैसेस प्रेजेंट सी ना, वो गैसेस ने की किया सूरज की रोशनी नू अपने जाल दे विच फसा लिया, ट्रैप कर लिया। सूरज की रोशनी गई उत्थे तक लेकिन उत्थों की वापस बाहर नहीं आई, उत्थे ही रह गई। जदों इदा हुंदा उत्थे ही रह जांदी है तां फिर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट जिहड़ी है वो वध जांदी है, जिहदे नाल गर्मी होर भी ज़्यादा वध जांदी है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, समझ आया। एज ए प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम गैट फारदर अवे फ्रॉम द सन दे जनरली गैट कोल्डर, जिदा जिदा प्लैनेट सूरज तो दूर हो गए उदा उदा वो ठंडे हुए हैं। सो द नैपट्यून द एट्थ प्लैनेट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, इस करके नैपट्यून जो अठवां प्लैनेट है वो की है ठंडा प्लैनेट। ठीक है, हूँ आ गए एस्टीरॉयड्स। ठीक है, एस्टेरॉयड्स आर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल विच रिवॉल्व अराउंड द सन मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ए मार्स और जुपिटर, ठीक है, दो प्लैनेट्स है तुहाडे, इधर देखो आ मार्स है, किनवा प्लैनेट है ये, फोर्थ प्लैनेट। ठीक है, पहला मरकरी, दूजा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, तो पंजवा जुपिटर। मार्स और जुपिटर दे सेंटर दे विच जो स्पेस हैगी है उस स्पेस दे विच पत्थरां दे प्लैनेट छोटे छोटे इत्थे घूमदे हुंदे, उन्हां प्लैनेट्स नूं असीं बोलदे हां एस्टीरॉयड्स। ओके, वापस आ जाओ, एक डिफरेंस है स्टार्स और प्लैनेट्स का। ओके, स्टार्स आर जायंट बॉल्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, वड्डी वड्डी गैसेस दे वड्डे वड्डे गोले। ठीक है, प्लैनेट्स की है ये सोलिड मटीरियल है, गैसेस नहीं है, तो सोलिड है। स्टार्स ह्यूज इन साइज, साइज से वड्डे होंगे, प्लैनेट साइज के छोटे होंगे, साढ़े प्लैनेट्स नालों भी वड्डे की है स्टार्स है। दे आर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, इदा कोलो हीट और रोशनी मिलती, इदा कोलो साढ़े प्लैनेट तो ना हीट हैगी ना लाइट हैगी। दे गैट इट फ्रॉम सन, जिदा साड़ी अर्थ है तो किदे कोलो हीट और लाइट लैंदी, सन कोलो। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स, तो प्लैनेट्स किन्ने, सिर्फ सिर्फ एट प्लैनेट है। इस तो इलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट जिहड़ा हैगा प्लूटो, उन्हूं छोटा प्लैनेट दस्या गया। ओके, स्टार्स आर द बॉडीज दैट अपीयर टू ट्विंकल, स्टार इदा दे बॉडीज है, इदा दे सबसटेंस है जिहड़े शाइन करते ट्विंकल, जबकि साढ़े प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, पांच पांच पॉइंट। अगे सोलर सिस्टम की एडी डेफिनेशन पता, सन ते इट्स फैमिली जिदे विच की है सन, एदी सैटेलाइट्स ते दे प्लैनेट्स। अगे आ गया सैटेलाइट, सैटेलाइट की है कैलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के आले दुआले हैवन की बॉडीज घूमदियां जिहड़ियां की सैटेलाइट्स है। मून की है अर्थ की सैटेलाइट, पता मून साडी अर्थ की सैटेलाइट। स्टार की है कैलेस्टियल बॉडी हैविंग इट्स ओन लाइट, एक इदा की कैलेस्टियल बॉडी जिहदे कोल अपनी लाइट हैगी। प्लैनेट की है हैवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एक हैवी बॉडी जिहड़े सन के आले दुआले घूमती है एंड उहदे कोल उहदी लाइट लैंदी। ओके, नैक्सट आ गया एस्टीरॉयड की डेफिनेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल हैवनली बॉडीज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मार्स और जुपिटर के गब्बे हैवी बॉडीज घूमने लिए जिहड़े छोटे छोटे प्लैनेट्स है, कादे बने हुए हो रॉक्स दे बने हुए, पत्थरां दे बने हुए, उन्होंने आपां की बोलते हैं एस्टीरॉयड्स। ठीक है, एस्टीरॉयड्स तो बाद एक इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन, गैलेक्सी ए लार्ज फैमिली ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, किन्ने सारे स्टार्स जो इकट्ठे एक फैमिली बनाते हैं उन्होंने फैमिली में बोलते हैं गैलेक्सी, आकाश गंगा। ठीक है, ओके, तो आपका काम है शिनचैन, आपका काम है टेस्ट होगा, कब होगा आपका, कल होगा लविका मंडे को होगा। वन क्वेश्चन देखो, यूनिवर्स का पहला, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स एंड सेवन एंड एट, एट क्वेश्चंस। ठीक है,